प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम सबों के लिए पुण्य गुरुवार का दिन है। हम सबों के लिए मंडी टेस्ट है और इसी समय यहूदियों के लिए आज पास्का पर्व का दिन है या बेखमीर रोटियों का पर्व है। और यह दिन हम ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहूदियों के लिए यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहूदी जनता को मूसा ने अपने राज्य में वापस लेके आया और हम ईसाइयों को प्रभु यीशु ने हमें स्वर्ग में उनकी मृत्यु द्वारा लेके आया। यहूदियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनके गुलामी के 400 साल के गुलामी का आखिरी दिन था और हम लोगों के लिए पापमय जीवन का भी आखिरी दिन है या प्रभु यीशु क्रिस्त का अंतिम भोजन और इसराइलियों का मिस्र देश में अंतिम भोजन। और यह दिन इसराइलियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे गुलामी की अंत और आज़ादी का शुरुआत हुई और ठीक इसी प्रकार हम लोगों का भी पापमय जीवन का अंत और आज़ादी का शुरुआत या स्वतंत्रता का शुरुआत हुई। और ये आज़ादी इसराइलियों को कैसे मिला, ये आज़ादी इसराइलियों को ऐसा मिला कि जब यावे के कथन के अनुसार इसराइली जनता मेमने को मारा और उस मेमने को खाया और उस मेमने के रक्त को उनके घर के दरवाजों के चौखटों पर पोत दिया, तब वे बच गए, उन्हें मारा नहीं बल्कि वे जीवित रहे। इसी प्रकार वे कानान देश वापस आया। और हमारे आज़ादी कैसे हुई, हमारे आज़ादी प्रभु यीशु क्रिस्त जो न्याय विधान का मेमना है उनके मृत्यु द्वारा, उनके शरीर रक्त ग्रहण करने के द्वारा, उनके रक्त द्वारा जब क्रूस पर पोत दिया गया तब हम सबों की आज़ादी मिली, हमें आज़ादी मिली है और हम सब भले चंगे हुए हैं। और पुराने विधान में यावे ने कहा था कि निर्गमन ग्रंथ 12:5 में कि उस मेमने में कोई दोष ना हो, वो कलंक ना हो, निष्कलंक मेमने को चढ़ाओ, मारो, उसको खाओ। इसी प्रकार न्याय विधान में प्रभु यीशु क्रिस्त वह निष्कलंक मेमना है, उसमें पाप नहीं था। वो हम इब्रानियों के नाम पर पत्र में 4:15 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त बिल्कुल निर्दोष थे और उनके रक्त द्वारा, उनके शरीर द्वारा हम सब आज़ाद हुए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है संत योहन के सुसमाचार 6 में बार बार कहा है कि मेरा शरीर और रक्त जो ग्रहण करता है उन्हें आनंद जीवन मिलेगा, वे मरने पर भी नहीं मरता क्योंकि मैं उनके साथ हूँ और मैं उन्हें आनंद जीवन दूंगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। और यावे ने एक वसीद इसराइलियों से कहा था मूसा द्वारा निर्गमन ग्रंथ 12:17 में वचन इस प्रकार है, बेखमीर रोटियों का पर्व मनाना होगा क्योंकि वही दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारे सारे समुदाय को मिस्र देश से निकाल लाया हूं, इसलिए तुम यह दिन चिरस्थाई आदेश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मनाना। और नए विधान में प्रभु यीशु क्रिस्त इस अंतिम भोज के आखिरी में कहते हैं, रोटी और दाखरस उठाते हुए कहते हैं, यह मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। और यीशु ने एक और शब्द कहा, मेरी स्मृति में यह किया करो। संत लूकस के सुसमाचार 22:19 में हम यह पढ़ते हैं और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहला पत्र में भी यह कहते हैं, यह बताया गया है 11:24 में, मेरी स्मृति में यह किया करो। प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं कि हमारे घर के कोई भी एक सदस्य उनके मृत्यु से कुछ क्षण पहले ऐसा कहते हैं, कुछ आग्रह प्रकट करते हैं और मेरे स्मृति में यह किया करो, मेरे लिए यह किया करो, मुझे पक्का विश्वास है हम सभी उसको निभाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त उनके मृत्यु से एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले हमसे यह कहा, यह सब करके हमारे साथ अंतिम भोजन करके प्रभु यीशु ने कहा मेरे स्मृति में यह किया करो। तब से प्यारे विश्वासियों, मिसा बलिदान हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन गया, मिसा बलिदान हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया, हमारे जीवन इसमें केंद्रित रहा और तब से लेकर हम इसको दोहराते हैं, विशेष रूप से
मौंडित्यष्ट के दिन या पुण्य गुरुवार के दिन यह अंतिम भोजन प्रभु येसु क्रिस्त का अंतिम भोजन को हम विशेष रूप से दोहराते हैं। और इस संदर्भ में प्रभु येसु क्रिस्त दो चीज और हमसे मांगा है इसके अलावा, और उसमें पहला है प्रभु येसु ने कहा संदियों के सुसमाचार दिया 13:14 यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोने चाहिए। प्रभु येसु क्रिस्त हमसे दूसरी चीज यह आग्रह करते हैं कि हम विनम्र बने, हम एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि प्रभु येसु क्रिस्त ने गुरु होने के बावजूद भी, प्रभु होने के बावजूद भी दूसरे की सेवा की, उनके पैर धोया। और प्रभु हमसे कहते हैं अगर तुम मुझे प्रभु और गुरु बुलाते हो तो तुम्हें भी इसी प्रकार करना होगा। अगर तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो या मानते हो तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए और एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हमें इसका संदर्भ देखना है कब प्रभु येसु ने उनका अपने शिष्यों का पैर धोया। प्रभु येसु क्रिस्त को मालूम था कि अगले दिन वे मरने जा रहे हैं, उनके लिए क्रूस तैयार है, सबसे दर्दनाक मृत्यु को अपनाना है, घोर मृत्यु उनके लिए वेट कर रहे हैं। हम जानते हैं जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे आस अड़ोस पड़ोस में अगर किसी ने सुना कि मेरे को सजा मिल रहे हैं 4 साल के लिए 5 साल के, तो उनका दिल टूट जाता है। तो देखिए प्रभु येसु क्रिस्त उनको केवल 3-4 साल के लिए सजा नहीं बल्कि क्रूस का मृत्यु उनको मिलने जा रहे हैं, तब उनका भी दिल टूट गया होगा। फिर भी वे दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उस समय भी प्रभु येसु क्रिस्त अपने शिष्यों के पाव धोने के लिए तैयार होते रहते हैं। और प्रभु येसु क्रिस्त को यह भी मालूम था कि वे प्रभु ईश्वर के पिता ईश्वर के पास जा रहा है, पिता ईश्वर उनके करीब है क्योंकि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। जब उनको लगा जब ईश्वर उनके करीब है तो उन्होंने चाहा कि मैं भी मनुष्य के करीब जाऊं। इसी प्रकार हम इंसान के करीब आते हुए हमारे पाव प्रभु येसु क्रिस्त धोते हैं। और साथ ही साथ प्रभु येसु क्रिस्त को यह भी मालूम था उनको यूदा इस्करियोती धोखा देगा और पेत्रुस 3 बार अस्वीकार करेंगे और सारे शिष्यगण उनको छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी प्रभु येसु क्रिस्त उन व्यक्तियों के पैर धोते हैं। और वही प्रभु हमसे ये आग्रह करते हैं कि बेटा बेटी, अगर मैं तुम्हारे प्रभु हूं, अगर मैं तुम्हारे गुरु हूं, तो तुम भी ऐसा किया करो। और हम सबों से यह आग्रह किया है कि हम भी विनम्र बने। सारे 4 सुसमाचार में केवल एक ही बार प्रभु येसु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार 11:29 में कि मैं हृदय से निर्मल और विनीत हूं, मुझसे सीखो। केवल एक ही बार कहा है मुझसे सीखो, मैं दिल से विनम्र और विनीत हूं, मुझसे सीखना है। प्रभु येसु क्रिस्त ने उनके सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार 5:4 में प्रभु येसु क्रिस्त कहते हैं धन्य है जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। अगर हम सभी को प्रतिज्ञा देश या स्वर्ग प्राप्त होना है, प्रभु हमसे कहते हैं हमें नम्र होना है, उसके बिना हम प्रतिज्ञा देश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु येसु ने फिर कहा संत मत्ती के सुसमाचार 18:4 में अगर हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो बच्चों जैसे बनना है, बच्चों जैसे विनम्र होना चाहिए, तभी हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। प्रभु येसु क्रिस्त यह सीख हमें दिया है और हमसे प्रभु ने आग्रह किया तुम्हें भी एक दूसरे को पैर धोने चाहिए अगर मैं तेरा प्रभु और गुरु हूं। और तीसरी चीज प्रभु हमसे यह मांगते हैं संत योहन के सुसमाचार 13:34 में तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु येसु क्रिस्त अपने शिष्यों से यह आग्रह भी करते हैं कि तुम एक दूसरे को प्यार करो किस प्रकार जैसे मैंने तुमको प्यार किया है। प्रभु येसु ने हम सभी को किस प्रकार प्यार किया? प्रभु येसु ने हम सभी को अपना जीवन देकर, संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस के पत्र 2:5 से लेकर, वे ईश्वर के बराबरी थे, वे ईश्वर थे लेकिन स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आ गए,
अपने आप को दीनहीन बना दिया, हमारे जैसे जीवन बिताया। वे सर्वशक्तिमान थे, सर्वज्ञानी थे, सर्वव्यापी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने यह सब कुछ छोड़ दिया। वे सर्वज्ञानी होने के बावजूद भी एक हमारे जैसे एक इंसान के रूप में जीवन बिताया। सर्वव्यापी होने के बावजूद भी प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे प्रति प्यार के कारण केवल पैलेस्टाइन में अपने आप को सीमित कर दिया, एक इंसान के शरीर में या शरीर लेकर अपने आप को सीमित कर दिया। और इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त सर्वसंपन्न होने के बावजूद भी एक गरीब का जीवन बिताया। वही प्रभु हमारे बीच में आया, सब कुछ त्याग की। इतना ही नहीं, आगे संत पौलुस कहते हैं क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना, क्योंकि उनके दिल में कौन था? उनके दिल में हम सभी, हम पापी जनता, हमारे लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह जीवन क्रूस को अपनाया, क्रूस का दंड को अपनाया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके मृत्यु दंड द्वारा हम सब भले चंगे हो जाएंगे। उनके आने से, प्रभु यीशु क्रिस्त आने से 700 साल पहले नबी इसायास ने प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में कहा था कि नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4-5 में, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे ही दुखों से लादा हुआ प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भुगतता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के करीबन 700 साल पहले नबी ने प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी की। देखिए, हमारे पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, वह निष्कलंक थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें अपनाया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हम सभी को आज़ादी दिलाया, हम सभी को स्वतंत्र किया, हम सभी को भला चंगे किया, आनंद जीवन प्रदान किया। और हमारे प्रति प्यार के कारण आगे भी हम पढ़ते हैं, नबी इसायास कहते हैं अध्याय 50 वाक्य 6 में कि मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों के सामने अपना मुख नहीं छिपाया, क्योंकि प्रभु ने यह सब कुछ मेरे लिए, आप लोगों के लिए किया। संत पौलुस कहते हैं रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 वाक्य 6-11 तक कि हम निसहाय ही थे, हम पापी थे, हम शत्रु ही थे, उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त आकर हम सभी को मित्र बनाया, उनके मृत्यु द्वारा हम सभी को ईश्वर के मित्र बनाया, हम सभी को बचाया, हम सभी को आशा दिलाया प्रभु यीशु क्रिस्त उनकी मृत्यु द्वारा। प्रभु यीशु ने उनका जीवन समर्पित करके पुनः हम सभी को ईश्वर के संतान बनाया। और यीशु ने कहा अध्याय संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का ही नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। जैसे संत पौलुस ने कहा है कि हम सब शत्रु ही थे, क्योंकि हम सब पापी थे, हम ईश्वर से दूर हो गए थे, तो हम जैसे शत्रु लोगों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही उनका हमारे तरफ प्यार का गहराई है। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया है। किसी ने कहा है कि द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज द क्लियरेस्ट, लाउडेस्ट, मोस्ट पावरफुल आई लव यू सेड बाय जीसस। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज द क्लियरेस्ट, लाउडेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल आई लव यू सेड बाय जीसस। हाँ, प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस पर मरण यह था एक प्रत्यक्ष, तीव्र, ऊंचा और जबरदस्त आई लव यू, जबरदस्त आई लव यू प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा कहा गया। और वही प्रभु हम सभी को बुला रहे हैं, वही प्रभु हम सभी को बुला रहे हैं कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु उसका जीवन बना दे, उनकी शिक्षा बना दे, उनके समान हम भी एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की प्यार करें। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को प्यार करें, आज भी हमारे बीच में है, हमारी मदद करने के लिए, हमें उनके साथ ले जाने के लिए, उनके महिमा में भाग लेने के लिए, बुलाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ है। आइए हम उसके इस आज्ञा को मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चले, एक दूसरे की सेवा करते हुए, विनम्र होते हुए, प्यार करते हुए। थैंक यू।